नीचे करो सारे मुंह में नीचे कर दो दादाजी लोग की टीचर देखिए सरकार ने 10 महीने पूरे होने के बाद सभी जिलाधीश सभी एसपी की बैठक आज बुलाई है। बैठक में सभी जिलाधीशों का फीडबैक लिया जा रहा है क्योंकि 3 महीने तो सभी लोग आपदा में रहे और मुझे खुशी है कि जब मैं कुल्लू में था मंडी में था तो जिलाधीश कुल्लू जिलाधीश मंडी एसपी कुल्लू एसपी मंडी ने बहुत अच्छा काम किया और उसके बाद अभी जो डिप्टी कमिश्नर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उस आधार पर हमने अभी कुछ फैसले किए हैं कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है और स्पीड अप काम करना है। तो अभी लंच तक सिर्फ 6 जिलाधीशों के अभी प्रेजेंटेशन हुई है एसपी की प्रेजेंटेशन हुई है। लंच के बाद दोबारा जब हम इकट्ठे होंगे फिर दोबारा से जिलाधीशों की प्रेजेंटेशन होगी। मेरा मानना है कि हमने अभी गवर्नमेंट को ये बोला है जो डिप्टी कमिश्नर है कि सभी के ई ऑफिस कर दिए जाएं जो एसडीएम सारे एसडीएम हेडक्वार्टर्स डिप्टी कमिश्नर्स को आदेश दिए गए कि वो सारे डिप्टी कमिश्नर के साथ जुड़ जाए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी गुड गवर्नमेंट और गुड गवर्नेंस के दिशा में भी हम इंडेक्स हमने जारी किया है। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन की जरूरत है। हम उस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। कुछ मुद्दे आए हैं माइनिंग से संबंधित मुद्दे आए हैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ मुद्दे आए हैं उन सबका एक फीडबैक लेने के बाद हम कैबिनेट में उन पर चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ जितने भी कोविड के दौरान कोविड का उल्लंघन करने वाले जो भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में थे मैंने कहा है कि कोविड एक ऐसी महामारी थी कुछ लोगों को जानकारी नहीं थी कुछ लोग घर में बंद रहकर बंद अंदर नहीं रह सकते थे तो कई बार आदमी गलती कर जाता है और जिन आदमी ने कोविड के दौरान गलतियां की है मैंने कहा उनको माफ़ किया जाए उनके सारे केसों को तुरंत प्रभाव से वापस करने के आदेश मैंने दे दिए हैं। कोविड के दौरान जिन भी व्यक्तियों पर केस बने हैं उनको सबको रद्द किया जाएगा उनको सबको विड्रॉल किया जाएगा। सर रशिया को लेकर भी तो कोई चर्चा तो नहीं क्योंकि बॉर्डर एरिया में भी नहीं नशे को लेकर भी हमारी चर्चा हो रही है कि नशे को कैसे हमने आगे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है सब प्रकार की विस्तृत रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है और मुझे खुशी है कि हम इस पर अभी आगे बढ़ने जा रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जब समय आएगा तो ये चलता है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। राजनीति कुछ और तरीके की है जातिगत जनगणना अलग आधार है और राजनीतिक चुनाव अलग आधार है तो इसमें अपना दृष्टिकोण कहने का होता है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना दृष्टिकोण रखा है। हिमाचल में दिल्ली के लिए आप करेंगे सर जातिगत जनगणना जो फैसला कांग्रेस का है कि हिमाचल में पता है सबको जातियों का इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जो फॉर्मेलिटियों करते हैं सबको पता है कि कौन है हिमाचल तो वैसे भी सबको सब लोगों को पता होता है। सर दिल्ली गए थे आप दिल्ली में मंत्रिमंडल को लेकर कोई चर्चा हुई? नहीं मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना है और जैसे ही दिल्ली हाईकमांड मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में बोलेगा आपको सबसे पहले राजभवन में ओथ में बुला लिया जाएगा। अब पता नहीं नवरात्रों में होती है कल होती है परसों होती है ये जानकारी मुझे नहीं है ना चिट्ठी आएगी। देखिए मानसून से काफ़ी नुकसान हुआ है पर जो हमारा क्लेम बनता है रिलीफ पैकेज के अलावा और राष्ट्रीय आपदा घोषित ना होने के कारण वो क्लेम हमने 10,000 करोड़ का भरा है
12,000 करोड़ का, तो उसमें हमको तो मिलना ही है। अब देखते कितना मिलता है, तीसरी केंद्रीय टीम आ गई है, देखते इसमें कितना कितना मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।